एक्टिविटी है जिसमें इंसान जो है वो एक्टिव रहता है, और जिम जो है वो आपको बीमारियों से जो है ना काफ़ी महफूज रखता है। ये है कि आजकल के दौर में जो है आपको पता ही है कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, मोटापा बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फिटनेस, हेल्दी एक्टिविटी, और जो आप जिम है, जिम आप नहीं करेंगे, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप डाउनफॉल ही होगा आपका। जिम में आप फैट लॉस भी कर सकते हैं जो मोटापा कम है, और इसके साथ जो है आप वेट गेन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपकी डाइट पे कि आप खुराक क्या ले रहे हैं। अगर तो आपकी अच्छी डाइट है, हेल्दी क्लीन डाइट है, तो आपका फैट लॉस होगा, मतलब आप कार्ब्स इनटेक, आप अपने कैलोरीज मॉनिटर कर रहे हैं जिनमें आप कितना खा रहे हैं, जो जो आपने अपनी डाइट मॉनिटर करनी है, तो उस हिसाब से चलेंगे, आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो आपका फैट लॉस होगा। अगर आपने वेट गेन करना है तो उसमें ये होगा कि आपने कैलोरी सरप्लस में जाना है, मतलब आपने एक्स्ट्रा खाना है। अगर आप एक्स्ट्रा खाएंगे तो आपका वेट पुट ऑन होगा। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, वेट लॉस भी कर सकते हैं और फैट गेन भी कर सकते हैं। 70% जो है ना आपकी डाइट है, अगर डाइट आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट जिम में नहीं मिलेंगे, ये मैं क्लियर कट बता दूँ। डाइट, क्योंकि मैं ख़ुद भी एथलीट हूँ, एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो उसमें यह है कि अगर हम मैं भी अगर डाइट नहीं फॉलो करता तो मैं और एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें यह है कि आपने डाइट में हेल्दी क्लीन डाइट रखनी है, प्रोटीन इंटेक आपने ज़्यादा लेना है, कार्ब्स मॉडरेट लेने हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा जिम में। जिम में डाइट हम खुद भी देख लेते हैं, हम खुद भी मॉनिटर कर लेते हैं, मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर, क्योंकि अब काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे खुद भी कि आप जो है एक मॉनिटर कर रहे होते हैं अपना डाइट, ठीक है। अब डाइट में आपने किसी ने अगर फैट लॉस करना है तो वो कम खाएगा, कैलरीज उसकी कम होंगी। अब किसी ने वेट गेन करना है तो उसकी कैलरीज ज़्यादा होंगी, कैलरीज से मुराद है उसने 3000 से लेकर 3500 तक कैलरीज इनटेक लेनी है अपनी, और जिसने अपना फैट लॉस करना है तो वो 1500 से 1800 की कैलरीज में रहेगा, तो वो फैट लॉस आपको होगा। उसमें जो जिम में ट्रेनर होता है उसका ही काम है कि न्यू बिगनर को जो है वो गाइड करे। आजकल के दौर में जो है, क्योंकि आजकल सारी जो है नेट पे देख के कर लेते हैं, इंटरनेट का दौर है, जदीद दौर है, तो सारे अपने जो है खुद ही ट्रेनर बने हुए हैं, जो सिंपल चीज़ हैं वो नेट पे देखते हैं, ये वो सारा बेकार है। क्योंकि आप जाएँ अपना एक गुरु, एक कोच जो होता है फिटनेस ट्रेनर, उससे जाएँ, उससे मशवरा करें कि आपने क्या डाइट प्लान होना चाहिए, किस तरह आपने एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर तक करनी है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अंडे में आपको पता ही है प्रोटीन ज़्यादा होती है, और आजकल मतलब अंडा चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब आप देखें, क्योंकि अंडे का रेट कम, प्राइस कम है, सस्ता है, सस्ता प्रोटीन जिसे कहते हैं, तो इस वजह से होता है कि मसल गेन के लिए, हार्डनेस के लिए, और क्योंकि एग वाइट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, योक थोड़ा कम होता है येलो वाला, वो आवाम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। एग वाइट्स जो है ना वो हेल्दी लीन प्रोटीन जो है, जो हार्डनेस के लिए, मसल के उसके लिए आप कर सकते हैं, किसी के मशवरे से, किसी के गाइडेंस के अंडर कि कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है। ये है कि दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं जो थोड़ी एनाबॉलिक हैं, वो उस फेज से दूर रहें, क्योंकि वो हम नहीं रिकमेंड करते किसी को, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स वगैरह वो नहीं हम रिकमेंड करते, तो हम क्लीन एक डाइट सप्लीमेंट्स ऐसा आपका जो है वो एक मील रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं सप्लीमेंट को, कि आप अगर आपकी कैलरी, आपकी प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं हो रही है, आप बिज़ी हैं, आप सफ़र में हैं, आप नहीं कर सकते मील अपना पूरा, तो आप उसको रिप्लेस कर लें सप्लीमेंट से, वे प्रोटीन से। टेम्प्रेरी आपको लगेगा कि आप बहुत जान आ गई है, बॉडी आपकी चेंज हो रही है, लेकिन जो आपके अंदरूनी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो आपके ऑर्गन्स के अंदर ही आपको पता चलेगा, क्या लिवर आपका क्या कैसा है, किडनी का है, बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके लिवर एंजाइम्स में, किडनी पे प्रेशर डालेगा, हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो स्टेरॉइड से जो है वो दूर ही रहना चाहिए। नहीं, जो बच्चे आते हैं वो सबसे ज़्यादा जो मैंने नोट की है, वो जिम में जो है वो एक तो एक्सरसाइजों का उनको पता नहीं होता कि करनी क्या है, फॉर्म उनकी काफ़ी ख़राब होती है, फॉर्म का उनको पता नहीं होता, और दूसरा ये टाइम बहुत लगाते हैं जिम में। मतलब मैंने अक्सर देखा है, नए जो इधर भी हमारे भी अक्सर, कि एक नौजवान आता है जिम के अंदर तो वो तकरीबन 2 से 2 घंटे जो है जिम में गुजारते हैं। अब उसको पता नहीं कि जिम में वो कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा है, इतनी तो उसकी इंटेक ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ना उसका वेट गेन होता है, ना मसल बनती है, कुछ भी नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है उसको। जिम में जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो 45 से 1 आवर, 45 मिनट्स बहुत है, मोर देन इनफ है एक बंदे के लिए। 45 मिनट में अच्छी बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त आप जा सकते हैं मसल में। स्टार्ट में बिगनर का ये है कि थोड़ा लाइट वेट के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फॉर्म अपनी ठीक करेंगे, जैसे उनकी फॉर्म ठीक होने लगेगी तो थोड़ा लेवल तो वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, अपने आप को थोड़ा पुश करें, ठीक है, जितना पुश करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये कि एकदम से आपने बहुत ही ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं कर लेनी है, उससे ये कि इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, कि कोई छोटा लड़का है उसको इंजरी हो सकती है, तो ये कि थोड़ा लाइट सा पुश करें अपने आप को, ठीक है, और अपनी डाइट अपनी जो है वो खुराक ले, जितना खा सकता है खाए, वेट गेन और मसल गेन जिसने करने हैं, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करे तो उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फॉर्म से जो मेरा मुराद है वो ये है कि आपकी, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें अक्सर ये है कि चेस्ट की मूवमेंट होती है डिफरेंट होती है, फ्लाइज होते हैं वो एक पूरा एंगल डिफरेंट होता है, 90 डिग्री में होता है कुछ में, 70 डिग्री, हम बाइसेप लगाते हैं, लोगों को ये नहीं पता होता कि बाइसेप किस तरह लगाना है, काफ़ी लोग जो है वो हिल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, अब एफर्ट पुट करने के लिए अपनी बैक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो मसल हिट नहीं करते हैं, ज़्यादातर अपनी बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ गलत है। कार्डियो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है ना, वो रिसर्च भी यही कहती है कि आपने कार्डियो करना है तो वो एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आप कार्डियो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। मैं जो है अपने क्लाइंट्स, जो मेरे भी क्लाइंट्स हैं, उनको मैं रेकमेंड नहीं करता कि आते साथ ही आप कार्डियो पे चले जाएं, क्योंकि मैं ज़्यादा वेट लिफ्टिंग पे करता हूँ कि उनकी कैलोरीज वेट लिफ्टिंग से बर्न हो ज़्यादा, और वेट लिफ्टिंग से भी बहुत कैलोरीज बर्न होती है, आप हाई इंटेंसिटी थोड़ा वर्कआउट करेंगे कैलोरीज काफ़ी बर्न होती है, उसके बाद जो है मैं कार्डियो पर प्रेफर करता हूँ कि आप कार्डियो कर लें। आप पहले मैं रेकमेंड नहीं करता, ये है कि कुछ लोग पहले भी कर लेते हैं, उसमें ये होता है फिर आपके पास एनर्जी नहीं होती है वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में काफ़ी एनर्जी लगती है। वार्म अप बहुत ज़रूरी है, देखिए वार्म अप जो है वो आपको इंजरियों से बचाता है, अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे आते साथ ही आप वेट उठाने लग जाएंगे, हैवी वेट उठाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको इंजरी हो सकती है, कोई स्ट्रेन हो सकता है, कोई लिगामेंट वगैरह पुल हो सकता है। स्टेमिना जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, वक्ती तौर पर जब आप शुरू करते हैं एकदम तो स्टेमिना नहीं बिल्ड होगा, ठीक है, कोई एक बंदा आता है ओवरवेट है तो वो एकदम ही आके अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस उसका दिल ख़राब होगा और छोड़ देगा, एक्सरसाइज भी छोड़ देगा, और हेल्दी ये हेल्दी भी नहीं है। एकदम ही आके एक ओवरवेट बंदा आके बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, अपने आप को पुश कर रहा है, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ना मैं रिकमेंड करता हूँ। बिल्कुल डे बाय डे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी डाइट से बढ़ेगा, आपने अपने आप को पुश करना है। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो उसको पहले तो आप वॉक करेंगे, ठीक है, वॉक के बाद एक लिमिट तक 2-3 हफ्ते आपने वॉक ही करनी है, उसके बाद जॉगिंग करनी है, जॉगिंग के बाद रनिंग करनी है, तो इस तरह करके आपने डे बाय डे जो है अपने आप को मॉनिटर करना है, डे बाय डे स्टेमिना आपने आपका काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा, और डाइट से ज़्यादातर जो है डाइट से और वेट लिफ्टिंग में हाई थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाने से, आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे थोड़ा वर्कआउट के दरमियान तो एक से दो महीने में बहुत ज़बरदस्त स्टेमिना गेन हो जाता है। नॉर्मल एक्सरसाइज अब कोई कर रहा है उसको यही चीज़ आ जाती है, एक तो ये नहीं पता होता कि उसने करना क्या है जिम में आके, ना डाइट का पता होता है उसको, डाइट क्या लेनी है, ठीक है, टाइम बहुत लगाता है, 1 से 2 घंटे जिम में गुजार देता है, उसको ये नहीं पता होता है, तो एक अब ट्रेनर का यही फ़ायदा होता है कि वो इन चीज़ों से गुजरा हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेनर इन चीज़ों से गुजरा है, उसको पता है कि क्या डाइट लेनी है, किस तरह एक्सरसाइज करनी है, कौन सा बॉडी पार्ट किस दिन हिट करना है, किस तरह चलना है, एक तरीके से एक ले के चलता है, अगर कोई बंदा ले के आपको चलेगा तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। नए बंदे को रिजल्ट जो है वो 3 से 4 महीने जो है ना आपकी बॉडी शेप अप करने लग जाती है, बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है 3 से 4 महीने में, और 6 से 1 साल तक जो है आपकी बॉडी बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी अगर आप रोज़ जिम नहीं आएंगे तो तब आपको फ़ायदा नहीं है, अगर आप रोज़ जिम नहीं आ रहे तो इसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज देखें आप, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है, 1 दिन आपका रेस्ट होगा, 6 दिन आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है, 1 दिन आपने रिकवरी के लिए देना है, रेस्ट होगा।
लोग कहते हैं कि सावन में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ कि सावन के सीज़न में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, इंसान को एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि सावन में जो है वो आपका फैट लॉस जो है वो ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि आप स्वेटिंग करते हैं, पसीना ज़्यादा आता है आपको। तो ये है कि अपने साथ ये है कि पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वाटर इनटेक जो है ना, तकरीबन बोतल अपने साथ लेकर आए, 2 लीटर की बोतल होनी चाहिए आपके पास। तो वाटर इनटेक जो है ना वो आपने सावन के मौसम में लेना है। जिम आपने करनी है तो सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो आपने डाइट बहुत ज़रूरी है, डाइट आपने फॉलो करनी है, ठीक है। हेल्दी क्लीन प्रोटीन जिसमें हो, कार्ब्स भी हो, वो आप फॉलो करें, ठीक है। और उसके साथ एक्सरसाइज 45 to 50 minutes बहुत है, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज मत करें, ठीक है। और हार्ड वर्क कंसिस्टेंट ये और डेडिकेशन से साथ करें तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।